डुमराव अनुमंडल के रामदास राय ओपी क्षेत्र में हुई राजद नेता दीपक यादव हत्याकांड का उद्भेदन पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपित समेत दो को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया जाएगा। ये हत्या शराब कारोबार से जुड़ी हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि दीपक यादव खुद शराब के कारोबार में लिप्त था और उसने अपने ही दोस्त से 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसको लौटाने में वो आनाकानी कर रहा था। प्रतिशोध में उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, जिस हथियार से दीपक की हत्या हुई है वो हथियार भी उसने उधारी के पैसों के बदले अपने दोस्त को दिया था। पूरे मामले की जानकारी नहीं है हमको, ठीक ना। तो हम फोन किए थे भाई के पास, तो उनके कुछ दोस्त फोन उठाए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गया, उनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी पहले तो हमको जानकारी मिला, ठीक ना। अचानक हम सदर अस्पताल में आए तो सदर अस्पताल से यहाँ से बनारस रेफर कर दिया गया था। रामपुर में हम दिखाएं तो वहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये कहाँ घटना हुई है? ये राजापुर के शायद आसपास, राजापुर के आसपास। ये कहाँ गए हुए थे? वो गए थे उनके डेड किए थे, मतलब उनके फ्रेंड के, मतलब बाबा, ठीक ना। तो वही इसी में शामिल होने के लिए गए थे। अपराधियों ने अचानक ये सब फायरिंग शुरू कर दी। कहाँ के मूल निवासी हैं? बड़का सिंह। और ये गए हुए थे सिंह वहाँ सिंहार गाँव के निवासी, वहाँ के बुजुर्ग गुजरे हुए थे। क्या नाम था? जी जी, वहाँ का मुखिया जी का अच्छा, बाबू था। एक बात हमको बताइए अजय जी, किस पर आशंका है, क्या पूरा मामला लग रहा है? हमको कोई नहीं आशंका, और हम लोग है ना प्रशासनिक स्तर पर ऐसा कोई दुश्मनी भी नहीं था। उसको आम लड़का था वो, ठीक ना, किसी से मतलब नहीं रहता था उसको, पढ़ने लिखने वाला लड़का था। अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ चुका है कि अब कोई भी काम करते हैं चले जाते हैं, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। क्या नाम हुआ आपका? वहीं एसपी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि रामदास राय ओपी क्षेत्र में कोइलवर बांध पर अपराधियों ने दाह संस्कार से लौट रहे राजद नेता दीपक यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि एफएसएल और तकनीक अनुसंधान के जरिए हत्याकांड का राज खुला है। हत्या करने के आरोपित नियाजीपुर के बिगू डेरा के उत्तम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रामदास राय के डेरा के अधीन थाना अंतर्गत अधीन दिनांक 25 तारीख को एक नवयुवक की हत्या की घटना कारित किया गया, जो बाद में पता चला कि युवा आरजेडी के वो स्थानीय स्तर के नेता हैं। काफ़ी ये संवेदनशील मामला था, मीडिया बंधुओं के द्वारा भी काफ़ी जो है कि प्राथमिकता के आधार पर जो है कि इसको इस मुद्दे को उठाया गया था। तो पुलिस के लिए एक इस कांड का, हत्या के कांड का सफल उद्भेदन एक चुनौती का प्रश्न था। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास में रहते थे, हर स्तर पे हम लोगों ने प्रयास किया। यहाँ तक कि जो हम लोगों ने सीआईडी विंग से एफएसएल की टीम ही बुला के घटनास्थल का सूक्ष्मतापूर्वक जो है कि निरीक्षण भी कराया, जो मैनुअल इन्फॉर्मेशन था उसका भी हम लोगों ने कराया, और तकनीकी संस्था जो हमारे हैं यूनिट हैं उनका भी इसमें भरपूर सहयोग लिया। लेकिन स्थानीय हमारे DSP और थाना प्रभारी सिमरी के, रामदास राय डेरा के और DIO के टीम के अथक प्रयास के बाद इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन हम लोगों ने किया है। अब तक इसमें दो व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिनका नाम उत्तम यादव और बबलू यादव है। दोनों व्यक्ति इनके पूर्व के जान पहचान के थे, जिनकी में हत्या हुई है दीपक यादव की, यह पूर्व से इनके जान पहचान था। कुछ कारण से इन लोगों के बीच में पैसे के डिफरेंसेस लेके विवाद हुआ, वो विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है कि इस हत्या के घटना के रूप में परिवर्तित हो गया। ये उत्तम यादव और बबलू यादव दोनों हत्या के बाद बाहर भाग गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से जो है कि इन्हें। दीपक यादव हत्याकांड में पुलिस की कहानी में कई पेच हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपित मारपीट करने के इरादे से बांध पर खड़े थे, इसी के बीच उत्तम ने गोली चला दी और गोली दीपक के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में 4-5 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी TV के लिए बक्सर से संजय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।